भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती आज है और राजधानी रायपुर में कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें याद किया जा रहा है। वहीं विधानसभा में भी विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने राजीव गांधी के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। इस दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी, विधायक सत्यनारायण शर्मा और विधायक कुलदीप जुनेजा मौजूद रहे। चरणदास महंत ने इस मौके पर कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और संचार क्रांति के प्रणेता राजीव गांधी को नमन करते हैं। नौजवानों को भारत के विकास में कैसे योगदान दिया जा सकता है, उन्होंने उसको निर्धारित किया। राजीव जी की जयंती है, आज हम सब उनको नमन करते हैं। उन्होंने भारत के नौजवानों को भारत के विकास में कैसे योगदान किया जा सकता है, उसको निर्धारित किया। तिलवा नेवरा में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी की जयंती मनाई। कार्यक्रम में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस भवन में राजीव गांधी के छाया चित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव जी को लोकप्रिय नेता बताया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि राजीव जी के मन में लोगों के प्रति अपार प्रेम था। उन्होंने हमेशा गरीबों की मदद की। कार्यक्रम के बाद कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण भी किया। रायगढ़ में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 22 जिलों में कांग्रेस के राजीव भवन का एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिलान्यास किया। भूमि पूजन के अवसर पर कार्यकर्ताओं के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पीएल पुनिया, डॉक्टर चंदन यादव सहित पीसीसी के पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं प्रदेश के सभी जिला, शहर, नगर, ब्लॉक एवं पंचायत स्तर पर कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राजीव जी के जन्म दिवस पर छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में राजीव भवन का भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय राहुल गांधी जी, माननीय भूपेश बघेल जी और हमारे सभी मंत्रीगण और प्रभारी जितने लोग हैं सबके माध्यम से रखा गया। तीन बड़ी योजनाओं को जमीन मिलाया। एक तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दूसरी किस्त 15 करोड़ की राशि दी गई है। दूसरी योजना गोधन न्याय योजना, इसके तहत लगभग 4.5 करोड़ की राशि पशुपालकों के खाते में गया है। फलौदा बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। दरअसल शहर में कांग्रेस का खुद का भवन होगा। कांग्रेस भवन के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर, संसद सचिव चंद्रदेव राय सहित कांग्रेस के पदाधिकारी मौजूद रहे। पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने 20,000 रुपये दान का कर शुरुआत इसकी की। भूमि पूजन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को याद किया और शपथ ली। बहुत वर्षों बाद आज भवन के हमारे जिला अध्यक्ष की उपस्थिति में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, माननीय राहुल गांधी जी ने दिल्ली में से आज इसकी भूमि पूजन की शुरुआत की है। निश्चित ही हम बड़ौदा बाजार वासी, हम पूरे कांग्रेस जन आज पूरे खुश हैं। आज 22 जिलों में जिला कांग्रेस का कार्यालय बनाया जा रहा है। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी, आज उनके कार्यक्रमों के द्वारा आज यहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न। धमतरी में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 76वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर कांग्रेस भवन का ऑनलाइन शिलान्यास किया गया। इस मौके पर सभी कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। राजीव गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अलग अलग योजनाओं में किसानों, गोबर विक्रेताओं और तेंदुपत्ता संग्राहकों के खाते में 1737 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी ऑनलाइन कार्यक्रम में शामिल हुए। सूरजपुर में रिंग रोड के पास आवंटित की गई कांग्रेस कार्यालय के लिए जमीन का भूमि पूजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेसी नेता ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद रहे। भूमि पूजन कार्यक्रम में सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष खेर साय सिंह, संसद सचिव पारसनाथ राजवाड़े सहित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष
भगवती राजवाड़े ने भूमि पूजन किया। इधर जिला अध्यक्ष ने जन सहयोग से कांग्रेस भवन बनाने की बात कही है, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपनी भागीदारी निभाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले 15 अगस्त तक भवन बनकर तैयार भी हो जाएगा।